सर तकरीबन मुझे खाते हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। जब भी हैदराबाद आता हूँ यहाँ की हलीम खा गया, ज़बरदस्त जायका, और पार्सल भी लेके जाता हूँ घर के लिए। खाया है, अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आते रहेंगे और दोस्तों को भी गाइड करेंगे, वो भी आए और यहाँ का हलीम और नान जो है वो ट्राई करें। सर इस वक्त आप मौजूद है हैदराबाद के दरमियान में तिलक चाड़ी कूजी हलीम। सर हलीम बेचते हैं, हलीम के साथ बिरयानी का आइटम भी है और नान है रोगनी स्पेशल तेल वाले। पहले हलीम के हवाले से दुकान ओपन की गई थी, फिर लोगों की नीड की वजह से फिर उसको बिरयानी की लॉन्च की गई, मगर वो भी बड़ों के इजाज़त के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद बल्कि पूरे सिंध में कूजी हलीम की कोई और ब्रांच नहीं है, इस वजह से दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और मयार भी, और उसके साथ रेट भी मुनासिब है। सर हलीम दोनों के अकसाम है हमारे पास, हलीम चिकन में भी है और बीफ में भी। फी प्लेट हिसाब है 120 रुपये की और किलो का हिसाब है 480 रुपये। जी अल्हम्दुलिल्लाह हलीम का अलग से कारखाना है, वहाँ पर ऑलरेडी एक टीम काम करती है, कम से कम भी 3 घंटे के अंदर अंदर हलीम बन जाता है। फिर उसको फ्रेशनेस की वजह से जैसे जैसे नीड होती है उस हिसाब से फिर हम दुकान पर लाते हैं, ताकि वक्त के अंदर पर सेल भी हो सके और लोग भी आराम से उसको खा सकें। सर इसका अंदाज़ा तो मुमकिन नहीं है, मगर कम यूँ कह सकते हैं कि तीसरी नस्ल जो है वो इसको संभाल रही है। सर मैं उनका तो पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पसंद किया और हमारे शॉप पे आए और हलीम नोश किया, और उसके अलावा मेरा उनके लिए पैगाम है, अगर हलीम अच्छा लगा हो उनको तो दूसरे अहबाब को भी पैगाम दें, वो भी इस दुकान को विज़िट करें और आके हलीम का जो है ना टेस्ट चखें। ये इस पर्पज के जैसे हालात दुनिया के मुख्तलिफ हो रहे हैं, घरों में लड़कों की किल्लत की वजह से लड़कियां बेरोज़गार घूम रही हैं, तो ये सोचकर बड़ों ने एक मीटिंग के बाद अनाउंस किया कि भाई जो वेटर्स हैं फैमिली हाल में ख़ास करके, ताकि फैमिली को एक पूरा प्रोटेक्ट मिल सके और वो आराम से बग़ैर किसी हिचकिचाहट के खाना नोश फरमाएँ। इस वजह से उनकी सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लेडीज़ वेटर का निज़ाम बनाया, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बुरके में होती हैं, नकाब ये स्कार्फ में ना होता है, शूज़ वगैरह होते हैं, पूरे जो एक यानी किट बनी हुई है दुकान की उस हिसाब से वो सर्विस करती हैं।